हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 2 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये वर्कशीट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आपको ये वर्कशीट खुद से सॉल्व करनी है। अगर आप खुद से सॉल्व करते हो और अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। सो मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको पहले खुद से करेंगे, उसके बाद जब आप नहीं कर पाते हो कोई क्वेश्चन तो आप यहाँ से हेल्प लेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो जैसा कि आपको पता है मंथ में 2 आपकी असेसमेंट वर्कशीट आनी है। तो ये आपकी इंग्लिश की सेकंड असेसमेंट वर्कशीट है। दिस वर्कशीट कैरी 20 मार्क्स हैं, डिवाइडेड इन टू 2 सेक्शन। सेक्शन 1 में आपके MCQs दिए गए हैं और सेक्शन 2 में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो सेक्शन 1 है जिसमें आपको पैसेज दिया गया है, फिर आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। द इमोजीज इज अ स्मॉल पिक्टोग्राम यूज टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ मैसेज। देखिए सभी बच्चे जानते हैं व्हाट्सएप पर जब आप देखते हो तो उसमें इमोजीज दिखते हैं, ठीक है। तो इमोजीज जो है वो क्या है कि वो एक कोई भी मैसेज होता है उसके मीनिंग के लिए हम उनको ऐड करते हैं। बॉर्न ऑन 1st of November 1997 देयर वर 90 इमोजीज इन टोटल। तो 1st November 1997 में फर्स्ट टाइम जब इनको यूज़ किया गया उस समय केवल 90 इमोजीज थे। इट इज़ अ डिजिटल ग्राफिक आइकन यूज टू रिप्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट, ऑरिजिनली यूज इन जापानीज टेक्स्ट मैसेजिंग, बट एवर सिंस इट वॉज एडॉप्टिड इंटरनेशनली इट इज़ बींग यूज इन अदर कॉन्टेक्स्ट सच एज सोशल मीडिया आल्सो। सबसे पहले देखिए ये क्या है, दीज आर द डिजिटल ग्राफिक आइकन। क्या है बच्चों, ये डिजिटल ग्राफिक आइकन है। और ये जो है सबसे पहले यूज़ कब किए गए थे, यूज़ किए गए थे ये जापानीज जो टेक्स्ट मैसेज हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में ये इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिए गए और बहुत जो है आप कह सकती हो कि वाइडली सोशल मीडिया पर इनका यूज़ किया जाने लगा। Google is modifying and updating its bank of nearly 1000 emojis to mark the World Emoji Day, which was on July 17 को जब इमोजी वर्ल्ड इमोजी डे था, तो जो है गूगल ने बहुत सारे इमोजीज़ को क्या किया है, अपडेट किया है, ठीक है। एंड लगभग अब कितने हैं, नियरली 1000 इमोजीज एंड द लेटेस्ट चेंजेस हैव बीन मेड इन द मास्क फेस इमोजीज। और जो लेटेस्ट से चेंज किया गया है वो किस में किया गया है, मास्क फेस इमोजी है उसमें किया गया है। चेंजेस आर मेड इन कीपिंग विद द टाइम्स, तो चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। द सीजर्स इमोजीज नाउ हैज़ द ब्लेड्स लुकिंग जो है शार्पर। अब जो सीजर की इमोजी है उसमें जो चेंज किया गया है अब उसके जो ब्लेड्स हैं वो शार्प दिखते हैं। व्हीकल्स लाइक टैक्सीज ट्रक हैव हैड देयर प्रोपोर्शन चेंज, उनका जो टैक्सीज हैं ट्रक हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो चेंज कर दिया गया है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैज़ बिन मेड इन द कैरेक्टर ऑफ मास्क इमोजीज, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो चेंज है वो मास्क इमोजीज में किया गया है। वाइल द अर्लियर वन शोड द मास्क फेस विद इट्स आइज शट इंडिकेटिंग इल हेल्थ, जो पहले जो इमोजी थी उसकी आंखें बंद थी और वो जो है इल हेल्थ को यानी जैसे कि बीमारी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी इल हेल्थ। एंड द न्यू इमोजीज हैज़ द आइज़ ओपन, अब जो न्यू इमोजी डाली गई है उसमें उसकी आइज़ ओपन है। इम्प्लाइंग दैट वियरिंग अ मास्क इज़ अ रेगुलर अफेयर इवन फॉर हेल्दी पीपल, जिसमें दिखाया गया है कि जो है मास्क पहन के दिखाया गया है और दिखाया गया है कि जो हेल्दी पीपल हैं उनको भी मास्क डालना चाहिए, ये एक रेगुलर अफेयर है, यानी ये अब हमारी क्या हो जानी चाहिए, हैबिट हो जानी चाहिए। और पेंडेमिक जो COVID-19 है इसको देखते हुए ये इमोजी जो है वो फॉर्म की गई है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन इमोजी इज़ अ स्मॉल, इमोजी क्या है, पिक्चर है, पिक्चर है, पिक्टोग्राम है या पिक्सल है। तो इमोजी क्या है बच्चों, ये एक पिक्टोग्राम है, सी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इमोजी इज़, तो टोटल नंबर ऑफ इमोजी कितनी है, 90 है, 1009, ठीक है, एंड 1000। तो पहले तो कितनी थी, 90 थी, बट अब कितनी हो गई हैं, 1000 हो गई हैं। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज एन इमोजी ऐड टू ए मैसेज, मैसेज में इमोजी क्या ऐड करती है, एक कॉमिक टच ऐड करती है,
अ कलरफुल टच ऐड करती है, मीनिंग या नथिंग एट ऑल। तो सही आंसर क्या है कि मैसेज में मीनिंग होता है इसका एक, ठीक है। हम हर एक पर्टिकुलर जो इमोजी है उसका एक अपना मीनिंग है, तो मीनिंग ऐड करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ग्राफिक इमोजी रिप्रेजेंट ए कॉन्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, ए कॉन्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्टेक्स्ट। सो जो ग्राफिक इमोजी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द सीजर इमोजी हैज़ बीन चेंज्ड बाय मेकिंग। तो सीजर इमोजी में जो चेंज किया गया है वो कैसे चेंज किया गया है, सीजर इमोजी में इट्स आइज क्लोज, इट्स आइज ओपन, इट्स सीजर डार्कर एंड बिगर, इट्स सीजर शार्पर। तो सीजर को शार्प, उसके ब्लेड्स जो है वो शार्प दिखाए गए हैं हमने अभी पढ़ा, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज कुड बी। तो इसका जो है सूटेबल टाइटल इस पैसेज के लिए क्या हो सकता है, आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इमोजी एंड मी, आई लव इमोजीज बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन द चेंज्ड इमोजीज, एंड डी ऑप्शन है द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ इमोजीज। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही के बारे में बताया गया है इमोजीज के बारे में। तो इसमें देखिए आंसर कौन से किए, पहले का सी हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा, फोर्थ का बच्चों सी, एंड फिफ्थ का डी, एंड सिक्स्थ का हो जाएगा आपका डी। तो ये जो है आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सेकंड दिया गया है जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आप बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 फिर से लिखा गया है, फिर 11 लिखा गया है, फिर 12। तो आप क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए तब करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एन इमोजी, नेम द कंट्री ऑफ इट्स ऑरिजन। इमोजी क्या है और ऑरिजन जहाँ पे वर्स कंट्री का नेम आपको लिखना है। द इमोजी इज अ स्मॉल पिक्टोग्राम विच इज यूज टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ मैसेज। इमोजी वर ओरिजिनली यूज इन जापानीज टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख देंगे, जापानीज के टेक्स्ट मैसेज उनमें इनका सबसे पहले यूज किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट अबाउट द वर्ल्ड इमोजी डे दिस ईयर। सो आंसर रहेगा, गूगल इज मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग इट्स बैंक ऑफ नियरली 1000 इमोजीज टू मार्क द वर्ल्ड इमोजी डे विच वॉज ऑन 17 जुलाई। अपडेट की गई हैं बहुत सारी इमोजीज, नई इमोजीज डाली गई हैं, और वर्ल्ड इमोजी डे कब था, ये था 17 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इमोजीज रिसेंटली। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इमोजीज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मास्क फेस इमोजीज विद आइज ओपन, ठीक है। तो आइज ओपन के साथ मास्क फेस जो है वो डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट अबाउट द चेंज इन द मास्क इमोजीज। तो मास्क इमोजीज में चेंज जो किया गया है वो आपको लिखना है। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज हैज़ बीन इन द कैरेक्टर ऑफ द मास्क इमोजी। द अर्लियर वन शोड द मास्क फेस विद इट्स आइज शट इंडिकेटिंग इल हेल्थ। पहले जो है वो मास्क, वो आइज जो है वो बंद थी, जो इल हेल्थ को इंडिकेट कर रहा था। द न्यू इमोजी हैज़ द आइज ओपन इम्प्लाइंग दैट वियरिंग ए मास्क इज अ रेगुलर अफेयर इवन फॉर हेल्दी पीपल। जो न्यू इमोजी है उसमें बताया गया है कि जो मास्क है वो एक रेगुलर अफेयर है, हेल्दी पीपल को भी वो डालना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया गया है बच्चों यहाँ पे 10 के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो आपकी वर्कशीट में वही लिखा गया है। व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज डज दिस चेंज कन्वे। ये जो मैसेज है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे कन्वे करता है। द न्यू इमोजी हैज़ द आइज ओपन इम्प्लाइंग दैट वियरिंग अ मास्क इज अ रेगुलर अफेयर इवन फॉर हेल्दी पीपल। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि जो मास्क है वो हेल्दी पीपल को भी डालना चाहिए, ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस रहे और साथ ही हम प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को कोविड-19 से। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ हैज़ द सीजर इमोजी बीन चेंज्ड। द सीजर इमोजी नाउ हैज़ द ब्लेड्स लुकिंग शार्पर। अब उसके ब्लेड्स जो हैं वो शार्पर लगते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ योर फेवरेट इमोजी वाई। आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है और क्यों। माई फेवरेट इमोजी इज दिस। तो मेरा फेवरेट इमोजी ये है बिकॉज इट स्प्रेड अवेयरनेस टू वियर मास्क, क्योंकि ये लोगों में अवेयरनेस जो है करता है मास्क पहनने के लिए। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बच्चा, आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। बट इस वर्कशीट को आप जो है इसकी हेल्प तभी लोगे जब आप खुद से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।